global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. बुजुर्ग लोगों की सेवा के लिए कार्य कर रहे मारू घर में अरहाम युवा सेवा ग्रुप के सदस्य पहुंचे हुए थे और मारू घर के अध्यक्ष दिलीप अमलानी के इस कार्य में अपना योगदान उन्होंने दिया। ऋषि मुनि का आशीर्वाद लेकर अरहाम युवा सेवा ग्रुप के सदस्य मुकेश मियानी सहित उनके कार्यकर्ताओं ने यहां मौजूद बुजुर्ग लोगों के लिए राशन और सैनिटाइजर मुहैया करवाया। साथ ही मारू घर चलाने वाले दिलीप अमलानी को हर मुमकिन सहायता देने का आश्वासन दिया। दिलीप अमलानी लगातार बुजुर्ग लोगों की सेवा के लिए मारू घर को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि वे भी उनके इस कार्य में उनका सहयोग करें। मुकेश भाई हमारे यहाँ पे पधारे हुए तो प्रोग्राम के लिए गुरुदेव का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और हमारे वृद्धाश्रम को उनका पहले दिन से सपोर्ट है, तो आज हमें अवसर मिला कि हम हमारे आश्रम में ये कोरोना के समय में जन्मदिन को मतलब सेलिब्रेट कर सकते जी। आप कहेंगे अभी हमारे पूज्य परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज साहब के 50वां जन्मोत्सव चल रहा है हमारा, तो वही हेतु से हम लोग अभी पूज्य गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। और हमारी ये हमेशा की एक्टिविटी है अरहम युवा सेवा ग्रुप जो हमारा है, पूरे बम्बई में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हमारा ग्रुप बना हुआ है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और प्रेरणा से। और हमारी यही एक्टिविटी है कि ओल्ड एज को हेल्प कर सके, स्टूडेंट को हेल्प कर सके, ऐसी अलग 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 बहुत सी एक्टिविटी हमारी चल रही है। हमारा इधर सेंटर हमारा है पावन धाम कांदिल महावीनगर में, वैसे ही घाटकोपर पारस धाम में हमारा सेंटर है। तो हमारा सब जगह पे अरहम युवा सेवा ग्रुप चल रहा है पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, और हम लोग यही एक्टिविटी करते रहते कि हम लोग ऐसा हमारा एक्टिविटी समझो। अभी फिलहाल लॉकडाउन था, अभी लॉकडाउन के स्टार्टिंग में, जब भी लॉकडाउन के स्टार्टिंग में जब भी समझो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले आदमी को कितना परेशानी हुई थी, तभी हमारे पूज्य गुरुदेव ने प्रेरणा किया कि हमारे पावन धाम किचन के अंदर सुबह दोपहर और शाम तीनों टाइम हम लोग हमारा जो पौष्टिक आहार बनाते थे हम लोग, और फूड पैकेट बना के हम लोग करीब समझो ना 1000 से 1500 लोग को सुबह दोपहर और शाम हम फूड पैकेट भेजते थे। लॉकडाउन के 3 महीने तक हम लोग ने ये एक्टिविटी किया था। ऐसा हमारा अलग 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 बहुत सारी एक्टिविटी हमेशा चलता ही रहता है, और हमारा जन्मोत्सव पूज्य गुरुदेव का जन्मोत्सव है, तो वो हेतु से हम लोग आप यहाँ पर हम लोग को आपने अवसर दिया, हम लोग को इधर जन्मोत्सव मनाने के लिए आपने एंट्री दिया, हम लोग भी आपके बहुत दिलीप भाई आभारी है। मारू घर में आप आए, यहाँ पर मरीजों से भी मुलाकात की आपने, बुजुर्ग महिला भी थी, बुजुर्ग पुरुष भी थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनसे मुलाकात करने का? जब भी हम बुजुर्ग को देखते हैं तभी हम लोग के दिल में इतना फीलिंग होता है कि हम लोग इसके लिए और क्या कर सके। जितना ज़्यादा से हम कुछ भी करते हैं ना, फिर भी हम लोग को कम ही लग रहा है कि हम लोग ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये सब हमारा पूज्य गुरुदेव का ही प्रेरणा और आशीर्वाद है, और उसी हिसाब से हम लोग के में ये संस्कार है कि बुजुर्ग लोग को मान सम्मान दे, उसकी इज्जत करे, उसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, हमेशा हमारा यही भाव है, और हमें ये एक्टिविटी हमेशा करते रहेंगे। हम लोग यही कहते हैं कि कोई भी लोगों को रिक्वायरमेंट जो रहता है तो हमेशा हमको आकर बताए कि हम लोग को ये रिक्वायरमेंट है, तो हम किधर भी आश्रम रहेगा, कितने भी बुजुर्ग रहेंगे, उसका जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा हम लोग उसको रिक्वायरमेंट पुट अप करेंगे। तो मारू घर कैसा लगा आपको? मारू घर में आप यहाँ पे आए तो वो कैसा माहौल रहा है? मारू घर हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, इधर बुजुर्ग लोग से भी हम मिले, उनसे बातचीत भी किया, तो हम लोग को ऐसा लगा कि इधर भी हम अच्छा किया कि इधर हम लोग पूज्य गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाया, और आगे भी हम चल के दिलीप भाई से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग हमको ऐसा अवसर देना कि इधर जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा हमको आप बताइए, तो हम दूसरी बार एक्टिविटी करने के लिए हम आएंगे। अच्छा, आज आपकी ओर से क्या क्या दिया जा रहा है जी? आपकी आपकी ओर से, आपकी संस्था की ओर से क्या क्या दिया जा रहा है? हाँ एक मिनट, देवंग भाई आप आएगा सर? हाँ हाँ आएगा, चलेगा।
थोड़ा मास्क नीचे करो ना, आवाज ब्रेक कर। हाँ अभी बोलो। राष्ट्रसन पूज्य गुरुदेव श्री नम्रमुनि महाराज साहब की कृपा से हम लोग यहाँ पे आए हैं और मारू घर में दिलीप भाई और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनके लिए हम लोग फूल नहीं तो फूल नहीं पापड़ी थोड़ा कुछ लेके आए हैं। सामान तो ग्रोसरी का आइटम है, थोड़ा फ्रूट्स लेके आए हैं। ये कोरोना पैंडेमिक का जो प्रॉब्लम है उसको फाइट करने के लिए हम लोग सैनिटाइजर्स वगैरह लेके आए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि ओल्ड एज के जो लोग हैं उनका जो प्रॉब्लम है, उनको जो डाइपर्स वगैरह का ज़रूरत पड़ता है तो ऑल थ्री साइज का हम लोग एडल्ट डाइपर वगैरह सब लेके आए। तो जितना बेस्ट हो सके उतना हम लोग मारू घर के लिए और ये बुजुर्ग लोग के लिए हम लोग हमारी सेवा दे सकें। अच्छा, दिलीप जी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मारू घर जैसी संस्था चला रहे हैं, प्लस जो मंद बुद्धि बच्चे हैं उनके लिए स्कूल चला रहे हैं और कई सारी सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो किस तरह से आप उनके साथ जुड़े और क्या कुछ देखा आपने कि ये संस्था के साथ आपको मन लगा कि नहीं जुड़ना चाहिए? दिलीप भाई से तो हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। दिलीप भाई हम लोग को शताब्दी हॉस्पिटल के बाहर भी हम लोग आर करके हमारी एक्टिविटी एवरी सैटरडे करते हैं, जहाँ पे हम लोग शताब्दी में जो पेशेंट लोग आते हैं उनके जो रिलेटिव है उनको वहाँ पे खाना खिलाते हैं। एवरी सैटरडे सुबह में हम लोग एटलीस्ट 700 से 750 लोगों को वहाँ पे खाना खिलाते हैं। तो दिलीप भाई एक दो बार वहाँ पे आके मिले थे, हम लोग ने साथ में पहले भी काम किया है और इस बार तो दिलीप भाई ने बहुत ही अच्छा मौका दिया कि हम लोग यहाँ पे आए और उनके साथ बहुत ही एसोसिएशन अच्छा रहा और हम लोग ने बहुत अच्छे से जितना बेस्ट हो सकता था उतना मारू घर के लिए सब किया। इसके अलावा कोविड के लिए भी कुछ काम किया है आप लोगों ने? कोविड के लिए तो काफ़ी कुछ काम किया है सर। पारसधाम और पारसधाम पावन धाम तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि कोविड सेंटर ही है, तो इतने टाइम कोविड सेंटर ही थे तो वहाँ से कम 400 से 500 लोग तो अच्छे होके घर पे भी चले गए। पावन धाम कांदिवली महावीर नगर में से 877 लोग पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होके खुश होके अपने घर गए। ऐसे ही हमारा पारसधाम जो फिलहाल अभी भी चालू है उधर से भी करीब 400 से 450 लोग ठीक होके घर चले गए और अभी हमारा वो चालू ही है, रोज एंट्री होता है और डिस्चार्ज होता है, तो अभी फिलहाल वो भी हमारा चालू है। और लॉकडाउन का जो आप बात कर रहे थे, लॉकडाउन में तो काफ़ी काम किया है हम लोग ने। लॉकडाउन में एवरी डे हम लोग ने जो रोड पे मेट्रो वर्कर वगैरह थे, जो लॉकडाउन थोड़ा चालू होने के बाद सब चालू हुआ था, जो इमरजेंसी काम था वो लोग को रेगुलर छाछ पिलाते थे, रेगुलर फूड पैकेट बांटा है। कोरोना वायरस के फाइटर्स जो भी है अपने पुलिस वाले, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल वाले, बीएमसी कर्मचारी सबको हम लोग ने मास्क के डिस्ट्रीब्यूशन किए, फेस शील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन किए और काफ़ी सारी जो हम लोग बेस्ट कर सकते थे। और काफ़ी लोग जिनकी जॉब चली गई, जिनके पास काम नहीं था, जिनको खाने के लिए पैसा नहीं था, वो लोग को हम लोग ने किट वगैरह दिया है। पावन धाम से एटलीस्ट हम लोग ने कोरोना के समय में एटलीस्ट 1500 किट दिया हुआ है। खाली सिर्फ पावन धाम के हमारे एक सेंटर से, वैसे हमारे मुंबई के 30-30 सेंटर्स एक्टिवेटेड हैं, तो इतने सारे सब सेंटर के से हम लोग के कोर टीम ने भी इतना सपोर्ट किया है, सागर भाई, एकता बेन, वो लोग ने भी इतना सपोर्ट किया है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच सके और इतना अच्छा काम कर सके। हम लोग तो करते हैं समझो, पर हमारे ग्रुप के सब मेंबर थे उनका भी हमको सपोर्ट रहता है तभी ये सब काम कर रहे थे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनका भी एक सब फोटो लीजिए और उसके और से भी ग्रुप बना सकते। मेरे ग्रुप मेंबर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ग्रुप मेंबर का अगर सपोर्ट नहीं होता तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये मेरे जो सारे ग्रुप मेंबर है उनकी मेहनत से हम लोग यहाँ तक जो बेस्ट कर सकते हैं यहाँ तक वो सब करने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा ले रहा हूँ कि पूज्य गुरुदेव हम आपको हमें आप लोग आपका 50वां जन्मोत्सव के लिए हम आप हमारी सभी अरम युवा सेवा ग्रुप की हर एक मेंबर की ओर से हम आपको बहुत अभिनंदन और आपको वंदन करते हैं और हमारे ऊपर हमारे हमेशा आपका आशीर्वाद रहे और हमें ऐसी एक्टिविटी करते रहे, वही आपका हमको आशीर्वाद और प्रेरणा।